आपकी कहानी तो मैं सबको सुनाती हूँ कि मैंने आपको बताया कुछ नहीं खाया, मेरा एचबी फिर भी ठीक है। तो मैं सबसे बेस्ट रहता ना कि फिर मैंने कुरेदा तो मैं समझा कि कुछ तो जरूर कच्चा खाते हो, बिना कच्चा खाए तो कोई फिट रह ही नहीं सकता। नहीं, प्याज नींबू नमक डालो, काला नमक बेस्ट, प्याज और बीटरूट डालिया करो उसमें। बीटरूट चाहे वो जिसको टेस्ट भी चाहिए और चॉइस भी चाहिए वो उसके लिए बीटरूट हर किसी का। इतना सुंदर भगवान ने बनाया, ये सारी छाइयां चली जाएंगी अच्छे से खाओगी तो। नहीं, मैं कैरेट और वो खा लेती हूँ, रेडिश अब खा लेती। अब मैंने खाया नहीं, मैंने विंटर्स में अब खाया, मैंने बच्चों को भी खिलाया। अब मैंने आमला बीटरूट खा लो, आमला बीटरूट खा लो। मैं कुकुम्बर भी स्टार्ट कर देती हूँ बच्चों को, आमला बीटरूट एबीसी जूस हस्बैंड बना के दे तो और भी ज्यादा फायदा होता है। इनको तो हम बना के दे तो फायदा है। चार आंवले एक बीटरूट, तुम चारों पांचों के लिए ठीक है, और चार गाजर जब तक आ रही हैं, इसी महीने आ रही हैं, अगले महीने तो खत्म भी हो जाएंगे तो ये खाओ, है ना। मैं से पहले मैं आपको तो बहुत कैरेट और शलगम का पिकल मैं खाती हूँ, शायद ही कोई खाता होगा। अब खाने लगी, तब नहीं खाती थी क्या? वो कैरेट का ये जो पिकल है मेरी, मैं सिर्फ अपनी मम्मी में बनाते हैं, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। नहीं, जब 2 साल पहले तुम्हारी डिलीवरी हुई थी तब ये भी नहीं खाती थी, खाते थे इतना नहीं, पता नहीं था। का डिपेंड करता है ना, टेस्ट भी। अच्छा, जब मेंसेस आने से पहले जो इरिटेशन होता है उसके लिए ये कैप्सूल होता है, एक रोज का, अभी 10-15 दिन पहले शुरू कर लेते हैं ये। मैं फर्स्ट को ये आपके हैवी मेंसेस आते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी तो आप फिट हो, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका ब्लीडिंग भी ठीक, पेन भी ठीक, इरिटेशन तो हो सकती है या ठीक हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो 1 महीने खा के देखना पड़ेगा। तो अभी तो बीच में आए हो ना आप, नेक्स्ट महीने day 4 पे आना, जिस दिन मेंसेस आएंगे उससे नेक्स्ट डे, हाँ day 2 पे आना, फिर नेक्स्ट मंथ का डिसाइड करूँगी कि क्या देना है। कि बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं ब्लीडिंग को ठीक करने के, लेकिन मेन कारण ढूंढना पड़ेगा, थायराइड है, शुगर है, थायराइड के सिम्टम लग रहे हैं सारे। वैसे अगर ये सब कुछ ठीक हुआ फिर कुछ नहीं, फिर तो ये दवाई हर महीने खाते रहना बस, हर महीने 5 गोलियां खाना क्या बड़ी बात है। और मैम एक बात है ना, जैसे मेरी